वानिता सिद्धार्थ मलैया की जनसंवाद यात्रा लगातार जारी है। दमोह विधानसभा में यह दूसरे चरण की यात्रा युवा नेता सिद्धार्थ मलैया कर रहे हैं। मालूम हो कि दमोह विधानसभा के लोगों से 1-to-1 बातचीत के लिए युवा नेता सिद्धार्थ मलैया के द्वारा इस यात्रा का आगाज किया गया था। पहले चरण की यात्रा 4 दिन तक चली और ऐसे में दूसरे चरण की यात्रा का आज 4था दिन है। 4थे दिन ग्राम रियाना से यह यात्रा की शुरुआत की गई, जो अनेक ग्रामों से होकर के एक बार फिर निकलेगी। कई किलोमीटर की यात्रा करेंगे और यह यात्रा लोगों से मुलाकात के लिए होगी। ग्राम रियाना में भगवान भोलेनाथ, मां खैर माता सहित अन्य मंदिरों का दर्शन पूजन अभिषेक करने के साथ ही यात्रा का आगाज किया गया और यह यात्रा अब लगातार एक बार फिर पूरी दोपहर से लेकर देर शाम तक जारी रहेगी। ऐसे में सिद्धार्थ मलैया लगातार लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, समाधान की भी बात करेंगे और अपनी भी बात लोगों से कर रहे हैं। जनसंवाद यात्रा का लक्ष्य निश्चित ही राजनीतिक है, ऐसा उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान, पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा था और लगातार उनकी यात्रा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। हेलो, नमस्कार भाई साहब। आपके यहाँ जो जमीन में पानी था आज से 5 साल पहले, अब और यहाँ नीचे चला है। अब आपके जो कुआं पुराने थे 26 फुट वाले, वे सब सूख गए। वो अगर वो डैम चालू होता, बांध बना होता, तो तुम्हारे को कुएं आज 3 साल पहले बंद गया होता, तो वो कुएं आज भी चालू होते, हाँ भरे रहते। लेकिन कोई नहीं, धर्मशाला की लिखते हैं सामुदायिक भवन, ये अच्छी बात है। तो धन्यवाद किया आपने धर्मशाला। तो हम 250-300 एकड़ के किसान है, लेकिन हम किसान नहीं बन, पर अब हम बनना चाहते हैं। अब चाहते हैं हम अच्छे से सीख सके, क्योंकि आप लोग अच्छा धंधा करोगे तो दमो आगे बढ़ेगा। इसलिए गोपालन का काम, ये सब काम आप लोग सीखें, ये नाम इनके पास लिखा है। और जो लोग राजनीति मेरे साथ करना चाहते हैं, कुछ दूंगा नहीं कभी राजनीति में, सिर्फ प्रेम दे सकता हूँ और स्नेह दे सकता हूँ। पीछे मुड़ के देखोगे तो ये देखोगे कि आपको जो संतोष मिलेगा कि हमने मोहल्ले का, क्षेत्र का, गांव का काम किया, अच्छा काम।